अपराध का गढ़ रहे नौगछिया में बंदूकों की गूंज कम नहीं हो रही। लगातार बुलेट के शोर लोगों में दहशत फैला रहे हैं। ऐसी ही एक बुलेट गुरुवार को एक बंदूक से निकली और पकड़ा के मुखिया अशोक शर्मा के बेटे गौरव कुमार के शरीर को भेद गई। वह कराहता हुआ जमीन पर गिरा। सूचना पर हर बार की तरह फिल्मी अंदाज में भी पुलिस देर से पहुंची और जख्मी युवक को पूर्णिया रेफर करवाया गया। बता दें कि पंचायत में पावर के खेल के लिए राज्य में मतदान होने से पहले ही डराने और अपने प्रतिद्वंदी को चित करने का खेल शुरू हो गया है। नौगछिया के पकड़ा पंचायत में मुखिया अपने परिवार के साथ घर में थे। इसी बीच प्रतिद्वंदी ने मुखिया के बेटे को गोली मार दी। गोली कमर और जांघ के बीच लगने की बात बताई जा रही है, जिसे जख्मी हालत में तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया लाया गया, जहाँ से उसे बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया रेफर किया गया। हालांकि मौके पर पहुंचे नौगछिया SDPO दिलीप कुमार ने घटनास्थल से गोली के खोखे से साफ इनकार किया है और इसे पंचायत चुनाव से जोड़कर देखने की बात भी कही है। उनका कहना है कि हमलावर और मुखिया अशोक कुमार शर्मा के बीच दो दिन से तनाव चल रहा था। तनाव का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसी बीच आज गोलीबारी हो गई। हालांकि पुलिस की एक टीम भी जख्मी युवक के बयान के लिए पूर्णिया भेजी गई है, जिसके बयान के बाद ही मामला साफ हो पाएगा। ये दो चार दिन से टेंशन बना हुआ है और आपस में झगड़ा झंझट हो रहा था। आवेदन भी दोनों तरफ से पड़ा हुआ है, उसका भी जांच हो ही रहा था। आज सुबह में पता चला है कि गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें मुखिया जी हैं उनके लड़का घायल हो गया है, उसको हॉस्पिटल भेजा गया है। कंडीशन ठीक ठाक है अभी और पुलिस यहाँ कैंप कर रही है, अपराधियों को धर पकड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या मामला प्रकाश में आ रहा है, किस कारण से हुई? ये पंचायत चुनाव को लेकर के ही टेंशन है। आपको लगता है कि विपक्षी जो है वो इनको डराना धमकाना चाह रहे हैं, चुनाव में खड़ा नहीं हो इस तरह से कुछ न कुछ भय पैदा करना चाह रहे हैं। बहरहाल घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों के मुताबिक मुखिया अशोक को इस चुनाव में कुछ प्रतिद्वंदी खड़े होने से मना कर रहे हैं, लेकिन मुखिया अशोक उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, इसलिए उन्हें डराने के लिए गोलीबारी की गई है। नौगछिया से खबरें आप तक लाइव के लिए अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए खबरें आप तक लाइव। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।